हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ आलमपुर मेट्रो स्टेशन में और मैं जो है जाने वाला हूँ बेंगलोर। मेरे बस है सी एम बी टी से। तो अभी जो है रात के बज रहे 9:30, बस मेरी 11 बजे की है, तो होप सो मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा सी एम बी टी में। आलमपुर जो मेट्रो स्टेशन है ये, इसमें से दो अलग अलग रूट की ट्रेन जाती है। दोनों ही जो है चेन्नई सेंट्रल के लिए जाती है। इसके नीचे और स्टेशन है और ये मैं अभी जो खड़ा हूँ ये स्टेशन है। नीचे वाले का रूट जो है वो अलग है और इसका रूट अलग है, और दोनों का डेस्टिनेशन सेम ही रहता है। गाइज, मैं अभी पहुंच चुका हूं बेंगलोर में और ये हेलमेट देख के आप सोच रहे होंगे कि कौन है भैया, पहचाना आप लोगों ने? हेलो, हेलमेट में अभी भी नहीं पहचाना होगा। हेलमेट जब उतारे तब आप पहचान जाओगे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले साल वाली व्लॉग देखी है तो, जो दुर्गा पूजा वाली है, उसी का एक बंदा है। बेंगलोर से आया मेरा दोस्त। आगे बताता हूँ, हेलमेट उतारे तो। गाइज, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं अच्छा हुआ कि ये जो है थर्मोस्टेट यहाँ पे लेके आया है। ये तो सही में यहाँ बर्दाश्त हो नहीं रहा, इतना ज़्यादा ठंड है। बिलीव नहीं होता कि चेन्नई से सिर्फ ये 6 घंटे के रास्ता में इतना ही डिस्टेंस है। ज़्यादा दूर नहीं है, 350 किलोमीटर का है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस है वेदर का। हाय गाइस, वेलकम टू क्लिक अवे विद ईशान। और हम आप नेक्स्ट जाने वाले हैं। बाय बाय। तो मेरे चैनल में कब्जा कर नहीं नहीं तेरा ही चैनल में संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाय गाइस, आई एम ईशान। और ईशान से तो आप लोगों ने पहले मिला ही होगा मेरे ब्लॉग में, सॉरी। तो आज मैं आया हूँ बेंगलोर में। एक्चुअली मैं कुछ अपने ऑफिशियल काम के लिए आया था, तो अभी वो पूरा हो चुका है। अभी दोपहर के बजे मैं अभी हम लोग निकलने वाले। ईशान मुझे बेंगलोर दिखाने वाला है, कुछ अच्छे अच्छे स्पॉट्स जो भी यहाँ पे हैं वो आज हम देखेंगे। मैं एक ही दिन के लिए स्टे कर रहा हूँ, आज रात को मैं निकल जा रहा हूँ ऑफिस चेन्नई के लिए। तो एक दिन में क्या क्या स्पॉट्स जो है हम देख सकते हैं वो ईशान आज मुझे दिखाएगा। तो इस व्लॉग में बने रहिए, कहीं मत जाइए। चलिए फिर। हाय फ्रेंड्स, खाने के तो हम सभी शौकीन हैं, तो फिलहाल तो हमको काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हम डिसाइड किए कि चलो थोड़ा बहुत स्नैक्स हो जाए। तो अभी हम फिलहाल जेपी नगर की एक फैक्ट्री में हैं। और एक्चुअली टाइम ऐसा है कि अभी इस समय हम लोगों को लंच करने के लिए भी मन नहीं है, और साथ ही साथ अभी जो है ब्रेकफास्ट का भी टाइम नहीं रहा। सोचा कुछ ब्रंच क्यों ना हो जाए, तो एक फैक्ट्री में आए हैं और हमने ऑर्डर किया है ऑल अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। गाइज़, हमारा जो है आफ्टरनून ब्रंच जो है वो हो चुका है, और ब्रंच जो है बहुत ही टेस्टी था। तो अगर कोई ऑथेंटिक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पे आके ट्राई कर सकता है, द एग फैक्ट्री जेपी नगर बेंगलोर में। और अभी हम निकलने वाले हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस के लिए यहाँ से। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टीपू सुल्तान पैलेस, समर पैलेस में। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये है, यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है वो जब गर्मी के समय यहाँ पे आके रहते थे, ऐसा कहा जाता है।
तो ये महल 1700 सदी में बनाई गई है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा गया है इस महल को, और ये महल अभी भी बाहर के कंपेयर अंदर से काफ़ी ठंडी है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक चीज़ देखने में मिलेगी कि ये महल जो है 80% जो ये लकड़ी का बना हुआ है, पिलर हो गया या फिर ऊपर का सीलिंग जो हो गया, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे लकड़ी बनी हुई, इसलिए ये महल बहुत ज़्यादा ठंड है। और अगर आप यहाँ पे आते तो ज़रूर अंदर में म्यूज़ियम है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे तरफ में, यहाँ पे म्यूज़ियम है, यहाँ पे ज़रूर आइए और म्यूज़ियम में विज़िट कीजिए। आपको टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अंदर में मालूम चलेगा। मैं शूट करना चाहता था पर अंदर में अलाउ नहीं है वीडियोग्राफी, इसलिए नहीं कर पाया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो तो ज़रूर अंदर विज़िट कीजिए। अभी भी पता चला कि टीपू सुल्तान यहाँ से आते जाते थे, यहाँ पे ठीक थोड़े 5 मिनट की दूरी पे ही एक फोर्ट है जहाँ से अंडरग्राउंड टनल था जो कि यहाँ से डायरेक्ट आपका मैसूर कनेक्ट करता था, तो वो उस टनल के थ्रू यहाँ पे आते जाते थे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेंगलोर पैलेस में, ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये बेंगलोर पैलेस, चलते हैं अंदर में। गाइज़ हमारा बेंगलोर पैलेस का जो ट्रिप है वो हो गया, हमने अंदर से सक्सेसफुली देख लिया अंदर से, अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत ये महल है, आप देख सकते हो पीछे। वीडियोग्राफी फिलहाल तो अलाउड नहीं है विदाउट लाइक पेमेंट, अगर आप पे करते हो तो उसके लिए आपको अलग से कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन कैमरा के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। 300 रुपीज़ मोबाइल के लिए है और कैमरा के लिए 1500 रुपीज़ आपको, अगर DSLR आप अंदर लेके जाते हो तो उसको पे करना है, और 240 रुपीज़ जो है इंडियंस के लिए, इंडियंस के लिए एंट्री चार्जेस है, वो एंट्री चार्जेस आपको 240 रुपीज़ है, और जो फॉरनर्स के लिए वो 480 रुपीज़। हमने वीडियोग्राफी फिर भी करी है, पेड वीडियोग्राफी तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा इसका अंदर का। और ये जो आपको पीछे सजावट वगैरह दिख रहा है ये यूजुअली होता नहीं, किसी की शादी यहाँ पे हो रही है अभी हाल फिलहाल, तो उसका ही पूरा सेटअप लगा हुआ है, इसके लिए भी यहाँ पे बुकिंग होता है बैंक्वेट हॉल के लिए। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, कोई अगर बेंगलोर आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आगे विजिट कीजिए, इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। अंदर एक्सप्लोर करने में 1 घंटे का समय तो लगता है, हमने बहुत जल्दी कर लिया अंदर से। हाँ, हमको थोड़ी जल्दी है कहीं और बचाने के लिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है, सो स्टे ट्यून्ड। शाम के 4 बज रहे हैं, अभी हम लंच करने के लिए आए हैं, और लंच में हमने ऑर्डर किया है फिश मील और एक वेज मील विद डबल एग ऑमलेट। टॉयट पहुँचे हैं अभी, और मैंने कुणाल से प्री बर्थडे ट्रीट मांगी है क्योंकि इसका बर्थडे 28th of February को पड़ता है, लगभग ये रहेगा नहीं मेरे साथ, और इसका बर्थडे काफ़ी वक्त के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू सेलिब्रेट एनी काइंड ऑफ ओकेजन लाइक बर्थडे और एनी काइंड ऑफ प्रमोशन पार्टीज, so it's a happening place, it's called Toy and it's in Indira Nagar, so बाकी आपको ज़रूर दिखाएंगे कि क्या ड्रिंक्स, क्या कौन से टाइप्स के ड्रिंक्स अवेलेबल हैं और क्या क्या स्टार्टर्स हैं, मेन कोर्स अवेलेबल।
want to visit this place, come to Bangalore, and it's an amazing place. You can Google, you can search videos on YouTube, you will definitely find about many more things about this place. इसी के साथ जो है मेरा बेंगलुरु का ट्रिप ख़त्म हो चुका है। जाने तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर जाना हो रहा है, काम ही ऐसा है। तो आगे और भी मैं नए व्लॉग के साथ आता हूँ, और बाय बोल दो, बोलूँगा बहुत जल्द उससे। बाय बाय, आप मे बी नेक्स्ट दुर्गा पूजा में मिलेंगे जरूर। सो एज ऑलवेज, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ऑसम, एंड डू वॉच माय चैनल क्लिक अवे विद कुणाल। बाय।